चमोली जिले के थरली विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने थरली विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी मुन्नी देवी शाह के चुनाव प्रचार में गांव-गांव में भ्रमण किया। मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने थरली विधानसभा के परखल सोल डुंगरी लॉल्टी में भाजपा प्रत्याशी के प्रचार में वोट डालने के लिए अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुन्नी देवी को जिताना जनता की जिम्मेदारी है और क्षेत्र का विकास करना होगा मेरी। वहीं उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस द्वारा मुन्नी देवी को अनपढ़ महिला कहने पर मुन्नी देवी ने कहा कि एक महिला को अनपढ़ कहना उसका अपमान करना है। कांग्रेस को इस तरह की बातों करना महंगा पड़ेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग खाने पीने का एक जरिया हो गया था इस प्रदेश में। ट्रांसफर एक्ट लाके उसको खत्म कर दिया गया है। इस तरह की शिक्षा में आप देखिए, शिक्षा में मातृशक्ति की क्रांतिकारी आवाज गूंजती थी, आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य। मैं आपको कई बड़े भाई के नाम से पुकारूंगी, एक छोटे बहन की, एक छोटी बहन की, सदे आप चिंता मनन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उसको पैसा भी दिया गया। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने उसको मदद दी। मैंने जब मैं पढ़ रहा था फॉरेस्ट की, जब मैं समीक्षा कर रहा था, एक महिला जो बिल्कुल अपंग हो गई, किसी काम की नहीं रह गई, जंगल बचाने के लिए, अपने जंगलों को बचाने के लिए, और उसको कोई किसी तरह की मदद उस समय की सरकार ने नहीं की, हमने उसकी मदद की जब मैं मुख्यमंत्री बना। आज की इस तरह की घटनाओं से हम बच सकते हैं। तमाम तरह के हमारे जंगल भी बचेंगे, जंगल बचेंगे तो हमारा पानी बचेगा, पानी बचेगा हमारा पर्यावरण बचेगा। कम घुट रहा है आज, जब हम देहरादून से चल रहे थे। तो ये जवाब दूंगी, सबसे पहले तो मैं अनपढ़ नहीं हूँ, और ये नारी का अपमान करना उनको बहुत महंगा पड़ेगा। जीतराम जी यदि नारी का सम्मान करना जानते थे तो अपनी पहली पत्नी को नहीं छोड़ते थे, और जीतराम जी को ये जनता बहुत करारा जवाब देगी। जनता विकास के साथ है, मैं आप लोगों का धन्यवाद। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने परखल सोल डुंगरी लॉल्टी में भाजपा प्रत्याशी के प्रचार को लेकर जनसभाएं की। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भाजपा के विधायक मुन्ना सिंह चौहान, रीति खंडूरी, ऋषि लाल, सुरेंद्र नेगी, मुकेश कोहली जनसभा में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता मुन्नी देवी को भारी बहुमत से विजयी बनाए और मैं इस क्षेत्र के विकास में पूरी ताकत लगा दूंगा। उन्होंने सरकार की कई योजनाओं गिनाते हुए सुनहरे भविष्य के सपने भी जनता को दिखाए। देखो कांग्रेस की हालत देश के लोगों ने ऐसी कर दी कि वो केवल आरोप ही लगा सकते हैं। आजकल तो उनकी हालत ऐसी हो गई कि कहीं पर चौराहे पर अगर बाजा बज रहा है तो नाचने लगते हैं। उनकी हालत असमंजस में है, उनको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मीडिया भी देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और वो गांव-गांव में जाकर के आज अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं, विकास के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस का जो इस तरह का जो आरोप है ये सिर्फ बौखलाहट है, वो महिलाओं का अपमान भी कर रहे हैं। मुझे बहुत तकलीफ हुई आज जब उन्होंने कहा कि मुन्नी देवी अनपढ़ है, मुझे बहुत तकलीफ हुई, और एक तरह से महिलाओं का अपमान है। उनको इस तरह का किसी का अपमान करने का और किसी पर झूठे आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है।